Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. क्या हुआ स्वामी?
बहुत प्यास लग रही है सावित्री। आप यहां बैठिए, मैं लेके आती हूं। सुंदरी, सुनो सुंदरी, मेरी बात मानो। उस अपाहिज के हाथ अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। मैं हूं ना, मुझे अपना बना लो। तुम्हारे जैसी सुंदरी को मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, तुम भी मेरे साथ प्यार करो। पंडित जी को देवी की पूजा करनी चाहिए। और तुमको छेड़ना आपको शोभा नहीं देता। कृपा करके यहां से चले जाइए। स्वामी कहाँ चले गए? स्वामी स्वामी नहीं, स्वामी नहीं, स्वामी ऐसा मत कीजिए, मैं अभी आती हूँ। स्वामी रुक जाइए, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे थे स्वामी? क्या आप नहीं जानते आपके सिवा मेरा और कोई नहीं? अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? मैं भी जिंदा नहीं बचती। मुझे तुमने क्यों बचाया सावित्री? मेरा मर जाना ही ठीक था। मेरे जैसे अपाहिज का जीने का क्या मतलब? सात फेरे लेते हुए क्या मैंने यही प्रतिज्ञा की थी? तुम्हारे सारे दुख दर्द आज से मेरे हैं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। रक्षा करना तो दूर की बात, उल्टा मैं तुम पर बोझ बनकर जोखिम में डाल रहा हूं तुम्हें। मेरी वजह से न जाने तुम्हें क्या क्या सुनना पड़ता है। मैं अब तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर नहीं रह सकता सावित्री। तुम मुझे मर जाने दो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहो। क्या करूंगी मैं आपके बिना जीकर? इस धरती पर नारी की ऐसी परंपरा रही है कि वो अपने पति के प्राण भी वापस लेके आ सकती है स्वामी। उनमें से एक थी माँ बहुला, जिस माँ ने मनसा की कृपा से असंभव को संभव करके दिखाया था। चलो मैं तुम्हें मनसा के मंदिर में लेके चलती हूँ और चलते चलते तुम्हें माँ बहुला की कहानी भी सुनाती हूँ। चलो।
गंगाधर शंकर नागेश्वरा बालचंद्र कुंडभूषण त्रिलोचन महेश्वरा कोटिकालाननाभासं चतुर्बाहु चंद्रेश्वरा बालचंद्र कुंडभूषण तमं नमामि महेश्वरा। हे देवादिदेव महादेव, सारे दुखी गरीब इंसानों की तुम रक्षा करो, सारी पृथ्वी की तुम रक्षा करो, हमारे परिवार की भी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः, ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्रधर, कौन? मैं पद्मा, पद्मावती। पद्मावती? मैं जल देवता की पत्नी, ऋषि अस्ति की जननी। ओ, तो तुम्हारी ये कहानी क्यों? देवी चंडी के श्राप के द्वारा मैं एक आंख से कानी हो गई थी। ऐसी बात है? हाँ सौदागर, इसलिए पिता महेश्वर ने भय स्वरूप मुझे शिजुआ पर्वत पे स्थानांतरित किया था। शिजुआ पर्वत? वहाँ पर मैं 15 करोड़ नागों की माता हूँ। तो तुम सपेरन हो? नहीं, मैं देवी हूँ। तुम मेरी पूजा करोगे तो मुझे स्वर्ग में स्थायी आसन मिल सकता है। असंभव, मैं देवादिदेव महादेव का पुजारी, महादेव के अलावा किसी की पूजा नहीं करूँगा। मैं तेरी पूजा बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं देवादिदेव महादेव का पुजारी, ये बात जानते हुए भी तू मुझे डरा रही है? देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। जो मेरे निकट आने का प्रयास करे उसे तुम डस ले। अरे भागो भागो सब लोग। ये अनर्थ कैसे हो गया? मेरे द्वारा हुआ है। मैं हूँ पद्मावती। तू फिर से आ गई? अभी भी वक्त है चंद्रधर। मेरी पूजा कर, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे आने वाले संकटों से मुक्ति मिलेगी। देखता हूँ, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाओ नकलेश्वर, जल्दी से प्रभु जी को बुला कर लाओ। हुकुम सरकार। महाराज ने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है।
प्रभु आप आ गए, प्रणाम स्वीकार करिए। जीते रहो, तुम चिंता मत करो चांद, माँ काली की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अब मैं प्रस्थान करूंगा। नहीं प्रभु, कृपया करके हमारे घर पे थोड़ा सा भोजन करके जाइए। आइए प्रभु, चल आइए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे नमः। कालिका कपालिका किशंभर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश कर रहा है। तू जानता है मैं पद्मावती हूँ, तुझे अभी भस्म कर सकती हूँ मैं। तू मुझे अपनी बातों से डरा रही है। ए मूर्ख नारी, तू जानती है मैं कौन हूं? मैं हूं इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष। तू जैसे सपेरन मुझे देखकर ही दूर भाग जाती है, और तू यहां आकर के मुझे ही धमका रही है, है? जा, तुझे अपनी जान प्यारी है तो चली जा यहां से। अच्छा, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने मेरा अपमान करने का साहस किया, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू आज से रुक जाओ माँ, ये क्या कर रही है आप? नेत्या तुम? प्रणाम माँ। आयुष्मान भव। पंडित जी, आपकी इतनी दिव्य दृष्टि होने के बावजूद भी आप मनसा देवी को नहीं पहचान पाए? ये और कोई नहीं बल्कि महादेव की मुंह बोली बेटी है, स्वयं माँ मनसा की रूप में देवी पद्मावती। हा? माँ, माँ मुझे क्षमा करो माँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इस भूल के लिए आप जो करने को कहेंगी मैं वही करूँगा। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी विशंभर, चांद से मेरी पूजा करवाओ। ये कौन सी बड़ी बात है? चांद मेरा परम भक्त है, वो मेरी किसी भी आज्ञा को मना नहीं करेगा। तुम निश्चिंत रहो माँ, वो तुम्हारी पूजा अवश्य करेगा। मैं चिंता मुक्त हो गई वत्स। जय माँ जय। अरे प्रिया मेरी है। नहीं वो मेरी है। ए, अरे कुछ सुनाई दिया क्या तुझे? कहीं से आवाज आ रही है। कहाँ से? किसी के गाने की आवाज। हाँ। कहाँ गा रही होगी? अरे वहाँ से, चल चले। हाँ चल, हाँ चल 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 चल।
भाग्यवान, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी, आपसे कहना चाहती थी। कैसी बात है? साल के 6 महीने तो आप कामकाज के सिलसिले में बाहर रहते हो ना, और मैं यहाँ काफी अकेली पड़ जाती हूँ। उस दिन पंडित जी आके कह रहे थे कि दिनाजपुर के जमींदार की बेटी हमारे बड़े बेटे के लिए काफी अनुरूप है, इसलिए मैं सोच रही थी कि आपके यहाँ होते हुए अगर शादी की बातें आगे बढ़ जाए तो अच्छा होगा, है ना? और मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वैसा ही होगा। जब तुम चाहती हो तो वैसा ही होगा। मैं प्रभु जी के पास जाके आता हूँ, अच्छे दिन के बारे में उन्हीं को पता होगा ना। जल्द ही आता हूँ। जय दुर्गा माँ, सारे संकटों को दूर करने वाली। क्षमा नहीं करोगी माँ? क्षमा कर दो माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैंने पाप किया है, बहुत बड़ा पाप, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी माँ। सुनो माँ, मुझे क्षमा करो माँ, क्षमा करो, क्षमा करो। महारानी, महारानी जल्दी आइए। क्या हुआ, क्या हुआ? बहुत बहुत गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। उस प्रभु को, उस पाखंडी प्रभु को अपना गुरु मान के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो मेरा गुरु नहीं है। माँ काली का भक्त होने का, उनकी आराधना करने का उसको कोई हक नहीं। मैं अपनी आंखों से अभी देख कर आ रहा हूँ, उसका कोई हक नहीं है। अभी हमारे महल को, मेरे महल को गंगा जल से साफ कर दो, शुद्ध कर दो। वो जहां जहां से गुजरा हो वहां की मिट्टी को उखाड़ के फेंक दो। वो पाखंडी है, एक शैतान, पाखंडी शैतान। मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, अपनी आंखों से देखकर ही क्या सच है क्या झूठ है तभी निर्णय करूंगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही हम महल की ओर प्रस्थान करेंगे। महाराज, महाराज, मैंने वो तांत्रिक बाबा को इधर आते हुए देखा। नकुलेश्वर जी महाराज, मैं उस पाखंडी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो आए तो कह देना कि मैं महल से बाहर हूँ, जाओ। हुकुम सरकार।
जान। जान जान सौदागर को बोलो गुरुदेव आए हैं। महाराज घर में नहीं है, बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? नकुलेश्वर जी महाराज, नकुलेश्वर जी महाराज, वो बदमाश पाखंडी गया यहाँ से। जी महाराज, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में पाखंडी मेरे महल के अंदर आए। मैंने उसको अपना गुरु मान लिया था। अरे महादेव, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दो प्रभु। नकुलेश्वर जी महाराज, मेरे बाहर जाने की तैयारी करो। मैं गंगा स्नान करके ही अपने पूरे शरीर को पवित्र करना चाहता हूँ। मैं जाओ बदमाश पाखंडी, आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। पाखंडी शैतान पापी, पाखंडी शैतान पापी, पाखंडी शैतान पापी, पाखंडी शैतान पापी। माँ, तुम यहाँ? तू सच में आई हो माँ? शांत हो जा वत्स, शांत हो जा। शांत? तुम मुझे शांत होने को कह रही हो माँ? तुम्हारे पुत्र का घोर अपमान हुआ है और तुम मुझे शांत होने को कह रही हो? क्रोध कभी समस्या का समाधान नहीं हो सकता वत्स, बल्कि क्रोध मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाता है। माँ, मैंने आजीवन तुम्हारी पूजा की है, तुम्हारी तपस्या ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। माँ, मैं जानती हूँ वत्स, इसलिए तुम्हारी तपस्या पे प्रसन्न होकर मैं आई हूँ। मैं धन्य हो गया माँ, मैं धन्य हो गया। बोल, तुझे क्या वर चाहिए? माँ, माँ मुझे दिव्य शक्ति प्रदान करो माँ, ताकि उस शक्ति से मैं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक में सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो जाऊं। मैं तुझे दिव्य शक्ति जरूर दूंगी, लेकिन सावधान, इस दिव्य शक्ति का उपयोग किसी मासूम इंसान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। माँ,
दिव्य शक्ति। जिस दिव्य शक्ति को पाने के लिए मैंने दिन रात तपस्या की है, आज से इस दिव्य शक्ति का मालिक मैं हूँ। मैं इस धरती पर सबसे शक्तिशाली पुरुष मैं ही हूँ। हे चांद, तूने मेरे लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने हर बच्चे की सुहागरात के दिन तू एक एक करके हर बच्चे को खोता रहेगा। तुझे निर्वंश कर दूंगा मैं। अब तुझे क्षमा नहीं मिलेगी चांद। प्रणाम। क्यों मेरे दोस्त, ये बात बाबा को बोलनी चाहिए कि नहीं? अबे टकली, जाके गुरुजी को, तुझे गुरुजी प्यार करते ना, तू जाके गुरुजी को बोल दे। बोल दे? गुरुजी, चुप रहो। गुरुजी, राजा साहब के बेटे की शादी पक्की हो गई। वाह, ये तो शुभ समाचार है। मेरे प्रतिशोध का समय आ गया है। मेरा प्रतिशोध, सिर्फ प्रतिशोध। प्रणाम महर्षि। काल नागिनी, तू आ गई। चांद के प्रति जो मेरी हिंसा है, तू ही है उसका सबसे बड़ा अस्त्र। इस पृथ्वी पर तुझसे जहरीला और कोई नहीं। तेरी जहर के एक बूंद से हजार हाथियों की मृत्यु हो सकती है। चांद के पुत्र को जाकर डस, मैं उसे निर्वंश देखना चाहता हूँ। जा। जो आज्ञा प्रभु। चांद, तेरे दुख की घड़ी अब शुरू हुई है। मेरा बेटा, मेरा चांद सा बेटा। पिताजी, उन्हें सांप ने काट लिया। क्या हो गया? नकुलेश्वर जी महाराज, जल्दी जाके किसी तांत्रिक या ओझा को लेकर आओ। जो हुकुम महाराज। बचाओ। अरे, ये तो किसी नारी की आवाज लग रही है। जरूर कोई विपत्ति आई हुई है। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। बचाओ। क्या हो गया तुम्हें? बचाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जहर निकाल देता हूँ। चांद। कौन है? अभी भी बोलती हूँ, मेरी पूजा कर। नहीं, कभी नहीं। मैं देवाधिदेव महादेव का पुजारी, जब तक मेरी जान है तब तक मैं पूजा नहीं करूंगा तेरी। तूने बहुत नुकसान किया है मेरा, लेकिन जीते जी मैं तेरी पूजा नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इसका परिणाम तुझे भुगतना ही पड़ेगा। हे भगवान।
संतान विहीन हो गया। इस तरह समय बीत जाता है, बहुत साल बन जाते हैं। चांद सौदागर और नकुल जी के घर में दो देव शिशु हैं। उनका नाम रखा जाता है और लखिंदर। प्रणाम बेटी बेहुला। हाँ प्रणाम पिताजी। जीती रहो बेटी। पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं कारोबार के सिलसिले में बहुत दूर जा रहा हूँ बेटी। नाव आ गई बेटी, अब मुझे जाना होगा। खुश रहो बेटी। पिताजी रुक जाओ। पिताजी आप कश्ती पर सवार मत होना। क्या हुआ बेटी? पिताजी आप कश्ती पर सवार मत होना। आप कश्ती पर सवार मत होना। मेरी प्यारी बेटी। बच्चों आसन ग्रहण करो। बच्चों आज हम पहला पाठ शिष्य का कर्तव्य और गुरु का धर्म। मेरा पहला सवाल है, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागो पाओ। इस प्रश्न का उत्तर कौन देना चाहेगा? प्रणाम गुरुदेव। बलिहारी गुरु आपके गोविंद देव बताएं। बालक बहुत अच्छे, तुम अपने पिता चांद सौदागर के जैसे ही हो, ज्ञानी और बुद्धिमान भी हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारे अंदर की ज्ञान की रोशनी सारे जग में फैल जाए। प्रणाम। सखी आखिरकार तेरा सपना पूरा हुआ। इसके सपने में जो राजकुमार था उसी से इसकी शादी हो रही है। तेरा राजकुमार कब आएगा? मेरे सपनों के राजकुमार कोई ऐसे वैसे नहीं होंगे। वो बहुत जल्दी घोड़े पे सवार होके हवा की गति से मुझसे मिलने आते ही होंगे। हाँ मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिल सकता है? Ha 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 ha
तुम्हारा जैसे चांद निकल आए, चेहरा तुम्हारा जैसे चांद निकल आए, देख के तुझको रात कट जाए, हो गया मुझको तेरा ही नशा, और पास आओ मेरे साथी। आँख मेरी देखे प्यारा चेहरा तेरा, खुशियों से भर उठे दिल ये मेरा, हो गया मुझको तेरा ही नशा, और पास आओ मेरे साथी। हो गई गुरु, चांद सौदागर के वंशज अभी भी है। क्या बोला तू? हाँ प्रभु, महाराज का अभी भी एक पुत्र जिंदा है, उसका नाम लखीन देव है। उसकी उम्र? जी शादी की उम्र तो हो गई। तो मैं उसके विवाह की व्यवस्था करता हूँ। थोड़ा सा ज्यादा खाते मुझे नींद आने लगती है। वाह, अति सुंदर। तुम्हारे मस्तक की रेखाएं ये कह रही है तुम सर्वगुण संपन्न हो। इसके लिए एक योग्य पात्र मेरी नजर में है, चांद सौदागर के पुत्र लखिंदर। इतनी खुशी की बात है, लेकिन तुम इतनी चिंतित क्यों हो महारानी? जो माँ अपने 6 जवान बेटों को खो चुकी है वो
वो इस वक्त चैन से बैठ भी कैसे सकती है भला? बेटे को खोने का दर्द क्या होता है ये बस एक माँ ही जान सकती है। तुम क्या कहना चाहती हो महारानी? बेटों को खोने का दर्द क्या मुझे नहीं है? क्या पिता को दर्द नहीं होता? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि वो हादसा अगर दोबारा हो गया तो। तुम निश्चिंत रह सकती हो महारानी, मेरे बेटे की सुहागरात के लिए मैं खास तौर से लोहे का कमरा बनवाऊंगा और उसे बनाएंगे स्वयं विश्वकर्मा। सांप तो दूर की बात है, हवा भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। विश्वकर्मा, प्रणाम गुरुदेव। मैं तुम्हारे पास अपनी एक इच्छा लेकर के आया हूं, आशा करता हूं तुम मुझे निराश नहीं करोगे। क्या बात है गुरुदेव? मैं चाहता हूं उस लोहे के महल में एक छोटा सा छिद्र कर दो। असंभव, क्योंकि चांद सौदागर ने मुझे यह काम सौंपा था। यह काम मैं नहीं कर सकता। क्या मेरा अपमान कर रहे हो? इसका परिणाम जानते हो? हाँ? अच्छी तरह से देख लो, उसका परिणाम अपनी आंखों से देख लो। मेरी कही हुई बात का पालन किया जाए। पालन किया जाए। देखो देखो सब देखो, जमाई करवट बदलेंगे।
देखो देखो सब देखो जमाई, करवट बदले कैसे जमाई, हर बेचारा देखो रे भाई, रात भर तड़पे नींद नहीं आई, हर बेचारा देखो रे भाई, रात भर तड़पे नींद नहीं आई, अरे देखो तुम पैसा डर नहीं भाई, थोड़ा सा हंस दो हंसो जमाई, देखो तुम पैसा डर नहीं भाई, थोड़ा सा हंस दो हंस दो जमाई, आशीष से ही आज मुझे वो दिन मिल गया जिस पल के लिए मैं बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। आज चांद को समझ में आएगा कि निर्वंश होने का क्या अर्थ होता है। आज कोई भी अनहोनी को होने नहीं देना है। देखते हैं ये सांप कैसे अंदर प्रवेश करता है। देहुला, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं भगवान का आभारी हूं कि पत्नी के रूप में तुम मुझे मिले। पहली बार जब आपको देखा था तब उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हम एक दूसरे के लिए अजनबी देखी है।
शिखाओ कर मन ये मेरा जले बुझे देखो बार बार दीप शिखाओ कर मन ये मेरा जले बुझे देखो बार बार अभिमन मन ये मेरा बस पिया पिया गाए अभिमन मन ये मेरा बस पिया पिया गाए जा, चांद के बेटे लोकेंद्र को डस करके आ। जो आज्ञा प्रभु। तांत्रिक के आदेश पर काल नागिन सांप का रूप धारण कर लेते हैं। चांद सौदागर भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। वहां लोहे के कक्ष में बेहुला और लोकेंद्र चैन से सो रहे हैं। लेकिन जब काल नागिन उस कमरे में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और जब अंदर जाने का कोई और रास्ता उसे नहीं दिखता है, वो एक छिद्र ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार निराश होकर काल नागिन वापस लौट जाते हैं। सुन, उस लोहे के महल के बाई तरफ एक छोटा सा छेद देखने को मिलेगा, उसी छेद के सहारे तू अंदर प्रवेश कर। काल नागिन तांत्रिक की बात मानकर एक छिद्र ढूंढकर अंदर चले जाते हैं और छिद्र के अंदर प्रवेश करने के बाद ये देखते हैं बेहुला और लखेंद्र गहरी नींद सो रहे हैं। जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब बाहर खड़े साधु बिस्तर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देते हैं। ऐसा सुरक्षा कवच जो आग से बना है। काल नागिन उस आग को भी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोबारा वो असफल होकर वापस लौट जाते हैं। तांत्रिक इस बार उसके मंत्र के जादू से सारे साधुओं को बेहोश कर देता है। सारे साधु बेहोश हो जाते हैं। महाराजा अभी भी चिंता में डूबे हुए हैं। उनके लिए मानो रात बीत ही नहीं रही।
वहां बेहुला और लखिंदर अभी भी चैन की नींद सो रहे हैं। काल नागिन आखिर बेहुला के जुल्फों का सहारा लेकर बिस्तर पर चढ़ रही है। लेकिन लखिंदर और बेहुला की अवस्था देखकर उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ काटा है। काल नागिन ने देखकर काफी चकरा जाता है। वो बस सोचती ही रहती है और वो दोबारा तांत्रिक के पास लौट जाती है। तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और उसे काल नागिन को दे देता है। काल नागिन वो मंत्र लेकर चली जाती है। और इस बार मक्खी का रूप लेकर काल नागिन उनके बिस्तर पर प्रवेश करती है और उसे काट लेती है। स्वामी, ये क्या हुआ आपको स्वामी? क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको स्वामी? आपको कुछ नहीं होगा स्वामी, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको कुछ नहीं होगा स्वामी। स्वामी स्वामी क्या हो गया आपको? वरना मैं तुझे श्राप दे दूंगी। नहीं माँ, मुझे अभिशाप मत दो। तू खुद एक नारी होकर दूसरे नारी का सर्वनाश कैसे कर सकती है भला? मैं इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। इस पूरे घटना चक्र में मैं एक शून्य सा पात्र हूँ। जो कुछ भी घट रहा है वो देव इच्छा के कारण ही घट रहा है। और ये देव इच्छा क्या है और किस कारण से है वो मैं आपको इस समय नहीं बता सकती। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि भविष्य में तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मेरा दोनों आंखें बंद करके स्मरण करना। देखना, मैं तुम्हारी सारी बाधा और विपत्ति हरण करने आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ माँ। महाराज, लखिंदर को सांप ने काट लिया है। नहीं, लखी, लखिंदर, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ लखी? बेटा? लखी, मेरा ये बेटा भी? लखी, नहीं मैं नहीं सह सकती। बेहुला, 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 मेरे खानदान का आखिरी चिराग भी आज बुझ गया। मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी स्वामी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं आपका बदला लेकर रहूंगी। चुप हो जा बेटी, बहुत रो चुकी। वो आप सब लोगों के लिए मर गए होंगे लेकिन वो मेरे लिए जिंदा है। मेरे लिए मेरे स्वामी जिंदा है। बेटी चुप हो जा। मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि मुझे मेरे स्वामी से अलग मत कीजिए। मुझे मेरे स्वामी से अलग मत कीजिए। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। हिंदू शास्त्र के अनुसार
जिसे सांप ने काटा उसे नदी में बहा दिया जाता है। नहीं। उसे किसी के हाथ सौंपना शास्त्र के खिलाफ है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वर्ग लोक जाकर मेरे पति के प्राण वापस ले आऊंगी, और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी, कुछ भी। मगर इसके लिए तुम्हें दो परीक्षाएं देनी होगी। मेरे स्वामी के लिए मैं 1000 परीक्षाएं दे सकती हूँ। इस मटके में छेद कर दिया गया है, इसके अंदर तुम्हें पानी भरना होगा। एक बूंद भी पानी अगर बाहर गिरा तो फिर तुम परीक्षा में असफल हो जाओगी। परीक्षा देनी होगी। इस आग के ऊपर से तुम्हें चलना होगा। तुम लोग बेटी बेहुला को और तकलीफ मत दो। तुम्हें दोनों परीक्षा में सफलता मिली, अब तुम अपने पति का पार्थिव शरीर ले जा सकती हो।
दे बोल दो ना, दे दे ना, मैं नहीं दूँगा। अबे तकलीफ नहीं, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अबे मेरी प्रियसी, अब तक कहाँ थी रे? प्रिय, तुमने मेरे बेरंग जीवन में रंग भर दिया। प्रिय, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। प्रिय, कुछ मत पूछो, महारानी की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। प्रिय, तुम्हें काम करो, तुम रानी माँ को जाके ये बोलो कि वो गुरुजी से संपर्क करें। मुझे ऐसा लगता कि ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम जय नमः, ओम जय महाकाली, प्रणाम गुरुदेव, जय माँ कपाले, ओम जय जय, ओम जय मुंडाय नमः, ओम जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय माँ, ओम जय। बोलो बेटी। गुरुदेव, मेरे पति काफी संकट में हैं, आप उन्हें संकट मुक्त कर दीजिए। चांद अपनी इस हालत के लिए स्वयं ही जिम्मेदार है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरा अपमान किया था। मैं खुद मेरे पति के तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ कर दूंगा, लेकिन सिर्फ मेरे ही माफ करने से तुम्हारे दिन वापस नहीं आएंगे। इसके लिए तुम्हें माँ मनसा की पूजा करनी होगी। मैं देवादिदेव महादेव का भक्त हूँ। इस महल में मनसा की पूजा कभी नहीं होगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, बिना दक्षिणा दिए तुम ये शव नहीं ले जा सकती। बाबा, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे मालिक का हुकुम है, कर दिए बिना कोई यहाँ से नहीं जा सकता। ये लीजिए आप। ठीक है बेटी, तुम्हारी यात्रा सफल हो। प्रणाम। जीते रहो। की
हमारा ये हाल कैसे हुआ स्वामी? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है स्वामी। सब कुछ देवादिदेव महादेव की इच्छा। जिस माँ के 7 जवान बेटे मौत के मुंह में चले गए हो, उसके जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। भगवान मुझे बस अपने पास बुला ले, भगवान मुझे अपने पास बुला ले। चिंता मत करो महारानी, महादेव की इच्छा होगी तो फिर से हम पहले जैसे हो जाएंगे। वो कभी संभव नहीं, मुझे पता है। मेरी सुनी कोक कभी भर नहीं सकती अब, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम थोड़ा यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ कहीं खाने की व्यवस्था होती है कि नहीं। जान, अभी भी तुम्हें सब कुछ वापस मिल सकता है। मुझसे क्षमा मांग लो और अपने आप को मां मनसा के आगे अर्पण कर दो। नहीं, मैं महादेव का पुजारी, मैं मनसा की पूजा नहीं करूंगा। पाखंडी शैतान, तू फिर से मेरे सामने आ गया। जा दूर हो जा मेरी नजरों से। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू मेरा अपमान कर रहा है? तू कितना घोर अपमान कर रहा है मेरा। आज तू बिना संतान के हो गया है। इस दुर्गति का तू खुद जिम्मेदार है। सिर्फ तू अपने बच्चे राजपाट सम्मान खोकर भी तेरी बुद्धि सही नहीं हुई ना। अभी भी कह रहा हूं चांद, मां मनसा की पूजा शुरू कर, नहीं तो शक्ति के मालिक, जहर से भी जहरीला विषम्भर। आप मुझसे क्या चाहते हो? तेरा अस्तित्व
एक कदम भी आगे मत आना। मुझे छूने की अगर तुमने कोशिश की तो तुम स्वयं भस्म हो जाओगे। ये एक नारी का श्राप है। हे मूर्ख स्त्री, तू इस कंकाल को अपना स्वामी कह रही है? आज चांद सौदागर से अपनी शत्रुता का बदला लूंगा। मैंने तुझे दिव्य शक्ति देते समय एक बात कही थी कि इस शक्ति का उपयोग तुम किसी मासूम पर नहीं करोगे। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। तूने मेरे आदेश का अपमान किया है। इसका फल तो तुझे भुगतना ही होगा। प्रणाम माँ, मेरा आशीर्वाद है। बेटी बेहुला, बेटी, मेरे पास आ बेटी, मेरे पास आ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटी, मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे क्षमा कर दो। आज तक जो भी घटा है वो सबका मैं ही जिम्मेदार हूं। स्वर्ग में उर्वशी और दिगंबर का नृत्य शुरू था। माँ मनसा वहां पहुंची, बैठने का स्थान नहीं मिला तो नृत्य में विघ्न डाल दिया। महादेव ने उन्हें श्राप दिया कि वो 8 बार मृत्यु लोक में
जन्म लेगी और आठवीं बार शिव जी के परम भक्त चांद सौदागर से पूजा करवाने में सक्षम होती है तो उसे स्वर्ग में स्थायी आसन प्राप्त होगा। बेटी बेटी मैंने तुम्हारा बहुत अनिष्ट किया है। कैसे मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ बेटी? बताओ मुझे। बाबा मुझे स्वर्ग लोक का रास्ता बताओ। स्वर्ग लोक का रास्ता तो मुझे पता नहीं लेकिन माँ नित्या निश्चित तुम्हारी सहायता करेगी। उनको मैं वहाँ कैसे ढूंढूंगी बाबा? सूर्य घाट के बगल में कपड़ा धोने का घाट नजर आएगा। माँ नित्या रोज वहाँ पर देवी देवताओं के कपड़े धोती है। वही तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताएंगी। प्रणाम बाबा। बेहुला हूँ माँ, बहुत दूर से आपकी तलाश में यहाँ आई हूँ। बेहुला बोलो तुम्हारा क्या काम है मुझसे और तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? माँ बहुत दिनों से मैं रास्ते रास्ते पर भटक रही हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है माँ। चिंता की कोई बात नहीं है बेटी, तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। मैं राजी हूँ माँ लेकिन एक शर्त है। आप रोज जो कपड़े धोने का काम करती हैं वो काम आज से मैं करूँगी माँ। ठीक है वैसा ही होगा। तुम इन कपड़ों को धो डालो, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे देख कर आती हूँ। हमारे कपड़े ठीक से धोकर वापस कर देना, ये तुम्हारा फर्ज था। नित्या तुम अपना फर्ज निभाने में असफल रही। नहीं नहीं महाराज, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। नहीं देवराज, आप मुझे सजा मत दीजिए, मैं दोषी नहीं हूँ देवराज। तो कौन दोषी है? दोषी है मेरी एक रिश्तेदार बेहुला, उसी ने कपड़े धोए हैं। उसे अभी इसी वक्त हमारे सामने हाजिर करो। जो आपकी आज्ञा देवराज। महारानी लो भोजन कर लो। नहीं स्वामी नहीं, नहीं आप मुझे खाने को मत कहिए स्वामी, मैं ये खाना नहीं खा सकती। ऐसा क्यों बोल रही हो महारानी? आप मेरी एक बात मानेंगी? कैसा अनुरोध महारानी? हमने
जिंदगी में आज तक जो भी कुछ खोया है वो सब अगर वापस मिल जाए, सब अगर हमारे संसार में वापस लौट आए तो क्या आप फिर भी आप मनसा की पूजा नहीं करेंगे? हाँ? बोलो। नहीं महारानी, मैं देवादिदेव महादेव का पुजारी, मैं कभी भी जीते जी उस मनसा की पूजा नहीं करूंगा। प्रणाम इंद्रदेव। अच्छा तो तुम ही बेहुला हो, तुम्हें क्या अधिकार है हमारे वस्त्रों की इस तरह दुर्दशा करने का? स्वर्ग में आने के लिए ये कोई सही रास्ता नहीं है। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेहुला, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हमने सुना है तुम नृत्य कला में विशारद हो, तुम्हें नृत्य से उर्वशी को परास्त करना होगा। अगर हार गई तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, और अगर तुमने नृत्य में उर्वशी को परास्त कर दिया तो तुम्हें मुंह मांगा वर मिल जाएगा। आपकी सारी शर्तें मानने के लिए मैं तैयार हूं इंद्रदेव। नृत्य का आयोजन किया जाए। Yeah.
बेहुला को, उठ बेहुला, उठ जा बेटी। अति सुंदर, अति सुंदर, मुग्ध हुए हम तुम्हारा नृत्य देखकर अति प्रसन्न हो गए। जाओ, इसके लिए खान पान की व्यवस्था करो। नहीं, मैं कुछ नहीं खाना चाहती इंद्रदेव। क्यों बेहुला? मैंने शपथ ली है, जब तक मैं अपने मरे हुए पति के प्राण वापस नहीं ले आती, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरे लिए असंभव है। आपने मुझसे वादा किया है देवराज, अगर मैं नृत्य में विजयी रही तो आप मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसे सांप ने काटा है, इसे जीवित करना मनसा के हाथ में है। जाओ, मनसा को बुला के लाओ। प्रणाम इंद्रदेव, सभी देवी देवताओं को प्रणाम। पिताजी, आपको भी प्रणाम। मनसा, मैंने बेहुला से वादा किया था, मेरा दिया हुआ वादा अब सिर्फ तुम पूर्ण कर सकती हो, सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ, बेहुला के पति को जहर मुक्त करो। नहीं, कभी नहीं। मैं उसके पति को कभी जीवित नहीं करूंगी। बेटी मनसा, देवराज इंद्र ने बेहुला को वचन दिया है, उसके इस वचन को पूरा करो। पिताजी, मैं बेहुला के पति को तब तक जीवित नहीं करूंगी जब तक चांद मेरी पूजा नहीं करेगा। आज मैं सारे देवताओं को साक्षी मान के आपसे एक बात कहती हूं, वो आपकी पूजा करेंगे, वरना मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी। ठीक है, तुम्हारे ऊपर मुझे विश्वास है, मैं भी तुम्हें वचन देती हूँ, चांद अगर मेरी पूजा करेगा तो मैं उनकी बाकी संतानों को भी जीवित करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ माँ, वो मेरी बात जरूर मान लेंगे। उसे विष मुक्त सिर्फ वही नाग कर सकता है जिसने उसे डसा हो। बेटी बेहुला, मैं अपनी नाग सेना को यहाँ आमंत्रित करती, तुम उसमें पहचान लो किसने तुम्हारे स्वामी के प्राण हरे थे।
दोनों आंखें बंद करके स्मरण करना। देखिए, मैं तुम्हारी सारी बाधा और विपत्ति हरण करने आ जाऊंगा। जाओ। बोलिए माँ, क्या आज्ञा है? इसके पति को विषमुक्त करो। बेहुला, ये हम कहाँ आ गए? बेहुला, हम स्वर्गलोक में हैं स्वामी। माँ मनसा की कृपा से आपके प्राण वापस आ गए हैं। आपके आशीर्वाद से ही मैं मेरे सुहाग को बचा पाई हूँ माँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं मेरे वचन को जरूर निभाऊंगी। अब हम चले माँ। महारानी, तुम देखना, महादेव की कृपा से फिर से हमारा सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी, पिताजी। हैं? कौन? हैं? पिताजी, पिताजी। तुम कौन हो बेटा? मैं आपका लखी, लखींदर हूँ। हैं? लखी? लखीं तू लखी नहीं, तू मेरा लखींदर है। तू मेरा लखी, तेरा लखींदर है, मेरा लखींदर। महारानी, उठो माँ, देखो कौन आया। महादेव के पास हमारा बेटा आ गया। मैं वापस आ गया माँ। देखो माँ, देखो माँ, देखो लखींदर। हाँ माँ, मेरा बेटा लखींदर, हमारा बेटा लखींदर, हमारा बेटा वापस आ गया। तू वापस आ गया बेटा? क्या तू सच में आ गया? वापस आ गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आज से मुझे छोड़कर कहीं मत जाना बेटा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ। मेरा बेटा कहीं नहीं, मेरा लखींदर वापस आ गया। बहू कहाँ है? आजा बेटी, आजा पास, आजा। पिताजी, माँ, आजा बेटी, आजा
आजा बेटी, मेरी बेटी। प्रणाम करती हूँ। आजा बेटी, मेरे पास आजा, आजा। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। तूने इस असंभव को संभव कैसे कर दिया बेटी? ये सब संभव हुआ है माँ मनसा की कृपा से पिताजी। उनकी कृपा से मैं मेरे पति और आपकी संतान को वापस लेके आई हूँ पिताजी। ये असंभव है। ये सच है पिताजी। अगर आप माँ मनसा की पूजा करेंगे तो आपके सारे खोए हुए बेटों को आप वापस पा सकते हैं। ये कभी संभव नहीं है बेटी। कभी भी संभव नहीं। मैं माँ मनसा को वचन लेके आई हूँ पिताजी। क्या आप आपकी बहू की एक बात नहीं मान सकते पिताजी? मेरी तरफ देख के कहिए पिताजी। ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा। मनसा की पूजा मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है। मनसा की पूजा करूंगा मैं बाएं हाथ से। स्वामी उठिए स्वामी, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। स्वामी स्वामी उठो स्वामी। नहीं, मैं आपको इस तरह से मरने नहीं दूंगी स्वामी। नहीं माँ, 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 अगर मैंने पूरे दिल से तुम्हारी पूजा की है तो माँ, तो फिर मेरे स्वामी के प्राण लौटा दे माँ। मेरे स्वामी को मेरे पास लौटा दे माँ। माँ मेरी प्रार्थना सुन माँ, मेरी प्रार्थना सुन माँ, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दे माँ। वरना वरना मैं तुम्हारे सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। आज मैं खुद के प्राण त्याग दूंगी। मैं प्राण त्याग कर रही हूँ। मैं प्राण त्याग कर रही हूँ। मैं प्राण त्याग दूंगी। मुझे नहीं जीना मेरे स्वामी के बगैर।
सावित्री, उठो सावित्री, सावित्री, स्वामी, 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 स्वामी आप ठीक हो गए स्वामी, मनसा की कृपा से, हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक हो गए स्वामी, माँ, माँ तुझे शत शत कोटि कोटि प्रणाम माँ, तुमने मेरे स्वामी को बिल्कुल ठीक कर दिया माँ, धन्यवाद माँ। धन्य हो मां मनसा।